हेलो गाइस, स्वागत है आपके हमारे किचन में। आज हम आपको मुंबई की फेमस स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, हमने घर में जो सब्जियां पड़ी थी वही ली हैं। इसमें पेठा, आलू, शिमला मिर्च, बीन्स और मटर है। अब हम इन्हें कुकर में एक सीटी लगवा के फटाफट बनाना बताएं। देखिए गाइस, हमने इन सब्जियों को कुकर में डाल दिया है। अभी इसमें हम थोड़ा सा ही नमक डाल रहे हैं और हल्का सा इसमें हमने देगी मिर्च। देखिए गाइस, इसमें हमने एक सीटी लगवा ली थी, इसमें हमने देगी मिर्च डाली थी, तो उससे इसका कलर कितना अच्छा रेड रेड आया है। अब हम इसी में इसको मैश करेंगे। ये देखिए गाइस, ये कितने अच्छे से मैश हो चुकी है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। ये देखिए गाइस, हमने इसमें तड़के के लिए मक्खन डाला है। अब हम इसमें हरी मिर्ची डाल रहे हैं। अभी देखिए, हमने दो बड़े चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, ये प्याज और टमाटर को हमने अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसमें इसे भूनेंगे। आप चाहे तो इसे चॉप करके भी डाल सकते हैं। मैंने इसे मिक्सर में पीस के फिर डाला। देखिए गाइस, मसाला भून चुका है। अब हम इसमें अपने स्वाद अनुसार मिर्ची डालेंगे और नमक। नमक हम कम ही डालेंगे क्योंकि हमने सब्जी बनने से पहले भी उसमें डाला था। और ये इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। देखिए गाइस, मसाला पक चुका है। अब हम इसमें अपनी भाजी डाल देंगे। हमने अपनी भाजी डाल दी, इसमें कलर कितना अच्छा आया है। अब हम इसे लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से पकने के लिए छोड़। देखिए गाइस, हमारी भाजी बनकर तैयार है। अब हम इसमें खटाई के लिए नींबू का रस डाल देंगे। हमने आधा नींबू लिया है खटाई के लिए। आप चाहे तो आमचूर डाल सकते हैं। हमने इसमें नींबू का रस डाल। अब हम इसमें पनीर डाल रहे हैं। ये देखिए गाइस, हमने इसे मक्खन में सेका है। आप चाहे तो इसे चाहे रिफाइंड में, चाहे देसी घी में, जो आप यूज़ करते हैं आप उससे सेक सकते हैं। ये देखिए गाइस, हमारी भाजी और पाव बनकर के तैयार है। देखिए, हमारी मुंबई स्टाइल पाव भाजी बनकर के एकदम तैयार है। ये थी हमारी आज की रेसिपी।